नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे IPU के बारे में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर संसदीय संघ के बारे में। तो IPU राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है। IPU की स्थापना आपकी 1889 में हुई। कब हुई? 1889 में। इसके सदस्यों की बात करें हम लोग तो 179 सदस्य हैं इसके। कितने हैं? 179 सांसद हैं। कुल 193 देश से हैं। ठीक है, 179। और इसके 12 एसोसिएट सदस्य भी हैं IPU के। ठीक है, IPU का मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। IPU का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है आपके IPU को। IPU का स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी, फॉर एवरीवन। ठीक है, अगर हम लोग IPU के उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्यों में शामिल हैं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व के विभिन्न देशों की संसदों और सांसदों के साथ काम करते हुए लोकतांत्रिक शासन संस्थाओं और मूल्यों को स्थापित करना। इसके उद्देश्यों की और आगे भी शामिल हैं यह राजनीतिक संवाद, सहयोग और संसदीय कार्यवाही के माध्यम से शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए प्रयास करना। ये सभी आपके IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के उद्देश्य थे। अब हम लोग बात करते हैं IPU के कार्यों की। IPU के कार्य देखते हैं। IPU का कार्य लगभग 8 रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित है। मजबूत लोकतांत्रिक संसदों का निर्माण, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना एवं महिला अधिकारों का सम्मान, ये सभी आपके IPU के कार्यों में शामिल हैं। मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन, शांति निर्माण, संघर्ष समाधान, सुरक्षा में योगदान, अंतर संसदीय संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास एजेंडे के आसपास संसदों को एकजुट करना, वैश्विक शासन में लोकतंत्र की खाई को पाटना, ये सभी आपके IPU के कार्यों में शामिल हैं। अब हम लोग IPU असेंबली की 141वीं मीटिंग अक्टूबर 2019 में सर्बिया के बेलग्रेड में हुई थी, याद रखना। जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो इसकी मीटिंग, जो भी मीटिंग होती है, करंट की मीटिंग देख लिया करिएगा। क्या रहता है कि कभी उससे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप लोग बता सकते हैं। उल्लेखनीय कार्यों की बात करें तो हाल ही में आयोजित दक्षिण एशियाई स्पीकर समिट के 4वें संस्करण का आयोजन IPU और मालदीव की संसद ने मिलकर किया है। IPU और UN वुमेन संयुक्त रूप से द्विवार्षिक मैप ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स का भी प्रकाशन करते हैं। IPU और UN वुमेन संयुक्त रूप से द्विवार्षिक मैप ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स का भी प्रकाशन करते हैं, याद रखना। 2019 में प्रकाशित इस मानचित्र में के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 5 मंत्रियों में एक महिला मंत्री है, यानी कि 5 प्रत्येक 5 मंत्रियों में आपकी एक महिला मंत्री है। तो ये था आपका IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे CMS के बारे में।